हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत बुटीक। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि हमें स्टिचिंग में कौन से बेसिक टूल की जरूरत होने वाली है। देखो, वीडियो पूरा जरूर देखना, काफी अच्छी नॉलेज मैंने इस बीच आपको दी है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और बेसिक टूल कौन कौन से आपके पास है, कौन कौन से नहीं है, आपको परचेज करने पड़ेंगे या नहीं, ये सारी बातें आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो वीडियो को बड़ा न करते हुए शुरू करते हैं हम अपने बेसिक टूल्स की क्लास। तो फ्रेंड्स, हमारे कोर्स में जिन चीजों का आपको जरूरत होने वाली है उनमें सबसे पहले आता है फैब्रिक, जो कि बिल्कुल बेसिक बात है। और फैब्रिक कौन सा लेना चाहिए ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से सिलाई सीख रहे हो तो आप कॉटन के कपड़े से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा सबसे बेस्ट रहता है, हाथ अच्छे से जम जाता है। उसके बाद हमें चाहिए इंची टेप। इंची टेप हमारा मेजरमेंट में काम आएगा, कटिंग में काम आएगा, सबसे मेन पॉइंट है इंची टेप। इंची टेप का कैसे यूज करते हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी, साथ के साथ बता ही देती हूँ। देखो, जैसे यहां से यहां तक जो ये लंबी लाइन है, यहां तक एक इंच होता है, ठीक है। जब हम बोलते हैं आधा इंच, आधा इंच कहाँ होता है, देखो मैं यहाँ पे तो क्लिप लगी हुई है बट यहां से बताती हूँ। देखो, जब हम कहें आधा इंच तो ये यहाँ पे ऐसे लाइन बनी हुई, इसके बीच में जो लंबी लाइन है, एक सबसे बड़ी है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, ये बीच है, मतलब ये इनका आधा है। फिर उसके बाद क्वार्टर इंच बोलते हैं तो ये होता है, फिर एक सूत बोलते हैं तो ये होता है। ऐसे इंची टेप का मैं फुल वीडियो भी आपको बना दूंगी अगर समझ नहीं आ रही होगी तो, ठीक है। उसके बाद हमारा चौक, चौक किसी भी कंपनी के ले लो चल जाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए स्केल, जो कि आप देख सकते हो सीधी लाइन लगाने के लिए, और एक ये होता है, इसका यूज मैं कटिंग के टाइम पे आपको बताने वाली हूँ। और ये होते हैं सेपर, ये हमारा लेग सेपर है, और ये हम कमीज की फिटिंग में यूज करते हैं। चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हो कमर की फिटिंग में, कौन से मतलब कमीज में कौन सा स्केल यूज करना है ये आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे तो इनकी शेप में बहुत अंतर है, ये देखो बहुत ज्यादा इनकी शेप में अंतर है, ये इतना ज्यादा कर्व है, ये इतना कम है, ठीक है। इनका यूज मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टूल मैं आपको बता देती हूँ जो बिगिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये इससे ना सिलाई हटाते हैं, बिगिनर से स्टिचिंग बहुत ज्यादा गलत होती है, बहुत बार उन्हें हटाना पड़ता है। तो ये जो टूल होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको सिलाई हटा के दिखाऊं, फिलहाल तो मैं नहीं दिखा सकती, आने वाली वीडियोस में आपको दिखा दूंगी। उसमें क्या होता है, जैसे सिलाई लगी हुई है, सिलाई के अंदर इसको ऐसे लगाओगे ना और ऐसे खींचोगे तो धागा टूट जाएगा। और ये हमारी तुरपाई वाली सुई है, आप देख सकते हो, ये दो नंबर की भी आप ले सकते हो, ये तुरपाई वाली सुई है, मतलब पतली लेनी है आपको। उसके बाद है ये आर्म होल कर्व, जिसको हाथ से शेप नहीं देनी आती वो इस कर्व को परचेज कर सकता है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने आप भी गोलाई देने लग जाओगे आर्म होल की। लेकिन अभी मैं आपको इसका यूज बताऊंगी जब ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी ब्लाउज की कटिंग की रहने वाली है। उसके बाद है ये ट्रेसिंग व्हील, ये ऐसे चलती, देखो ये ना ऐसे दांत से होते हैं इसके, जब हम कोई निशान लगा लेते हैं, जैसे ये कपड़ा है इस पे मैंने निशान लगाया, तो इससे हम ये क्या करेंगे, नीचे लाने के लिए इसके ऊपर हम ऐसे दबा देंगे। ऐसे दबाने के बाद आप देखोगे ना तो यहाँ पे दाने से उभर आए हैं, उसी के ऊपर से ये निशान लगा सकते हैं, यहाँ पे भी दाने से आ गए हैं। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है, बहुत ही जरूरी रहता है ये टूल भी। और ये टूल ऊनी कपड़ों पे या फिर गर्म कपड़ों पे यूज नहीं करना चाहिए, बाकी सूती कपड़ों पे इनका यूज होता है। उसके बाद हमारी सीजर, सीजर हमेशा हैवी लेनी है आपको, आप देख सकते हो कितनी हैवी सीजर है, जो हल्की सीजर होती है ना, जब आप काटोगे ना तो वो कहते हैं ना जैसे चूहे ने कुतर रखा है, ऐसे निशान बन जाएंगे हल्की कैंची से, लेकिन भारी कैंची से काफी अच्छी कटिंग होती है। और क्योंकि कैंची बार बार लगवानी पड़ती है तो वो हल्की भी हो जाती है एक टाइम के बाद, अगर आप स्टार्टिंग में ही हल्की कैंची ले लोगे और उसे बार बार लगवाओगे तो वो और भी ज्यादा हल्की हो जाएगी और सही नहीं रहेगी, इसीलिए थोड़ी सी हैवी कैंची लेनी है, ये काफी अच्छी कैंची है। उसके बाद है
स्विंग मशीन, वो सुई, सॉरी क्या बोल रही हूँ, ये मशीन की सुई हमेशा ऑर्गन की सुई आप परचेज करना। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कि भाई ऑर्गन की कह रही है तो पेड प्रमोशन है, नहीं, ऑर्गन की जो सुई होती है वो हर सिलाई मशीन में चलती है, इसीलिए आप जब भी कोई मतलब सुई खरीदो मशीन की तो वो ऑर्गन की ही सुई खरीदना। इस तरीके से लोकल भी आती है, मेरी में लोकल चल जाती है, बट मेरी जो पहली मशीन थी ना उसमें ऑर्गन की सुई से अलग कोई सुई नहीं चलती थी। कई बार मशीन में खराबी रहती कि धागा सही नहीं आता, उनकी मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि वो ऑर्गन की सुई यूज नहीं करते, कंपनी की सुई यूज नहीं करते। ऑर्गन से अलग शायद सिंगर की भी सुई अच्छी आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक टूल्स थे जो हमें अब ब्लाउज कोर्स में चाहिएंगे, तो आप भी अपने ये बेसिक टूल खरीद सकते हो। अगर आपके पास बेसिक टूल नहीं भी है तो आप सिर्फ कैची, कपड़ा, चौक और ये हमारा इंची टेप, इनसे हम सिलाई आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी ब्लाउज की कटिंग, उसके लिए सभी को कमेंट करना है इस वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड्स देखो मैंने आप सभी से कहा था कि कौन कौन फ्री वाला कोर्स करेगा या फिर मैं पेड कोर्स शुरू करूं, सभी ने कमेंट किया नहीं मैम फ्री फ्री फ्री। तो मैंने भी सोचा कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते, एक टाइम के बाद हम कर लेंगे पैसों वाला, भाई जिसके पास पैसे होंगे कर लेंगे, नहीं तो फ्री का हमारा अवेलेबल रहेगा ही चैनल पे। तो प्लीज मुझे सपोर्ट ज्यादा करना और थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो देखी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए।